नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजधानी दिल्ली में आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम आवास पर अहम बैठक हुई। दो घंटे तक चली इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही लोकसभा की तैयारियों समेत तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीबीआई के द्वारा की गई छापेमारी को गैर कानूनी बताया है। इसके साथ ही महुआ मोइत्रा ने सीबीआई पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। वहीं टीएमसी नेता मोइत्रा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है और उनके चुनाव प्रचार में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। दरअसल सीबीआई ने अलीपुर समेत महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर के 4 ठिकानों पर रेड मारी थी, लेकिन इसके पहले भी सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिससे नाराज महुआ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है कि सीबीआई गैर कानूनी रूप से उनके 4 ठिकानों पर रेड मारी है, और साथ ही यह भी कहा कि आयोग इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और दिशा निर्देश जारी करे। छत्तीसगढ़ के बागबाहरा के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए और 60 लोगों ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में आशीर्वाद के रूप में वोट मांगने की अपील की। इसके अलावा कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री टकराम ने वर्मा ने छत्तीसगढ़ी गीत भी गाया है और इस मौके पर विधायक अजय चंद्राकर, सांसद चुन्नीलाल साहू समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे देश और प्रदेश में इसमें पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हिंदुस्तान पूरा मोदीमय हो गया है। जहाँ भी हमारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, वहाँ कम से कम 1500 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति स्पष्ट है, जो कहती है वो करती है। अभी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में देखें कि मोदी जी की गारंटी का जो जादू चला था, और उस मोदी जी की गारंटी को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने धरातल पर लाया। आज छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं और जितनी योजनाएं लागू की गई है उससे हमारी छत्तीसगढ़ की प्रगति होगी, समृद्धि आएगी और आने वाला चुनाव पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस के ऊपर कोई भरोसा नहीं करते, कोई विश्वास नहीं करते। छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया कि 2018 में जो उन्होंने 36 वादा किया था, उसमें 36 में से कोई भी एक वादा अक्षरशः पूरा नहीं हुआ है। और सब समझ गए हैं कि वो केवल सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे कि अभी हमारा महतारी वंदन योजना में 1000 रुपये देने का था, तो उन्होंने ट्वीट करके 1200 किया। तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। सबकी आस्था और सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी हमारे महासमुंद लोकसभा भी बहुत ज़्यादा वोट से जीत करके एक नया इतिहास रचेंगे। मध्य प्रदेश के कटनी में निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जन जागृति लोकतंत्र पर्व में भागीदारी निभाने और अपने मतों के अधिकार पर मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन आह्वान कर रहा है। इसके बाद कटनी निर्वाचन नोडल अधिकारी के कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज में शासकीय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कहा गया कि लोकतंत्र पर्व के साथ लोकसभा चुनाव में मतदान करना जरूरी है और सभी को मतदान में हिस्सा लेने के साथ ही दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर सीईओ ने शपथ दिलाई और सभी छात्रों के साथ जमकर होली भी खेली। सभी को नमस्कार। ये गतिविधि आज स्वीप अंतर्गत की गई है, मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए। होली का त्यौहार भी आने वाला है और हमारी सभी से अपील है कि होली के त्यौहार को भी अच्छे से मनाएं और जो आगामी लोकतंत्र का भी त्यौहार आने वाला है उसमें भी अपने मताधिकार का प्रयोग 19 अप्रैल एवं 26 अप्रैल को जरूर करें। आज के कार्यक्रम के अंदर सभी शासकीय विभाग के कर्मचारी, यहाँ पर लोकल जो सिटीजन्स हैं फॉरेस्टर ग्राउंड के आसपास के, और कुछ प्राइवेट स्कूल्स के और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे और उनके पेरेंट्स शामिल हुए। मध्य प्रदेश के खंडवा में आदिवासी अंचलों में भगोरिया पर्व की धूम है, जहाँ आदिवासी खंडवा समेत पूरे निमाड़ में जनजातियों ने भगोरिया पर्व को धूमधाम से मनाया है। दरअसल क्षेत्र के कई आदिवासी गांवों में भगोरिया हाट लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज जन शामिल होते हैं। इसके बाद भगोरिया हाट में पहुंची विधायक छाया मोर ने खरीदारी की और पारंपरिक आदिवासी नृत्य भी किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि भगोरिया हमारी परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है और इस हाट के माध्यम से हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। सब प्रदेशवासियों को होली की और भगोरिया पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और ये प्रतिवर्ष 7 दिन का जो भगोरिया रहता है, भगोरिया मतलब भंगुरिया, जो आदिवासी पर्व है और अपनी संस्कृति और अपनी वेशभूषा में, जब हमारी रबी की फसल जब होती है उसके बाद में हमारे जो आदिवासी भाई बड़े हर्ष उल्लास से
सात दिन तक भगुरिया पर्व जो है आदिवासी भगुरिया पर्व मनाते हैं अपनी वेशभूषा में जाके अपने आदिवासी पर्व है, पर उसमें जो है कि बाजार जो होता है उसमें जो व्यापारी लोग हैं उनको भी उससे फ़ायदा है, हमारे जो छोटे मोटे जो दुकान लगाते हैं उनके लिए भी ये इसमें जो बाजार लगता है उसमें उनको फायदा मिलता है, ऐसा बड़ा हर्षोल्लास से हमारे आदिवासी पर्व मनाया जाता है। राजस्थान के रायसिंह नगर में आगामी लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और मतदान करने का संदेश दिया गया है, जहां एएसपी भंवरलाल सीओ अनु बिश्नोई के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान एएसपी भंवरलाल ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और फ्लैग मार्च के माध्यम से कमजोर तबके को डराने धमकाने के साथ ही प्रलोभन देकर प्रभावित न कर सके इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झड़प हुई और इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर लाठी डंडी चली, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश का सामना पुलिस और प्रशासन को करना पड़ा। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों के मकान पर मोहन सरकार का बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद मृतक के बेटे ने पुलिस पर आरोप लगाया कि शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और साथ ही पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, बाकी के बचे फरार आरोपियों की तलाश जारी है। फिर वहां से उनको उठा, उसकी नहीं, उससे पहले मैं बनपुरे जाके मेरे को पता चल गया, आने वाले में ये सबको बोला, बट ये सब का हाथ जोड़े मैंने बोला अब चल चलो गाँव में, एक हाथ को मार देंगे बहुत सारे जगह। और करीबन आधे घंटे बाद इनको गांव वाले लोगों को मार दिए, अस्पताल में लाए तो वहाँ एक 22/3/24 को लगभग 10 बजे के करीब अतवालिया में खेत के रास्ते को लेकर एक विवाद हुआ था दोनों पक्षों के बीच में, इसमें दोनों के तरफ से 323, 294, 500 से मारपीट की गाली हुई, उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों को बुलाया था जिसमें एक पक्ष आया नहीं था और फिर वहां से वो लड़ाई झगड़ा करके ही आए थे थाने पर। टीएनपी न्यूज, टीएनपी ग्रुप की बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत